जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आज अपने एक सफल मित्र मनोज जी से कुछ हम लोग वार्तालाप करेंगे और इनके सफलता के श्रेय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं सभी को आप सभी को बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि जितने भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे और एक लाइक जरूर करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं मनोज जी से। ये हैं अपने मित्र मनोज जी और इन्होंने बिहार सरकार रिवेन्यू डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो इनसे मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ये अपना इंट्रोडक्शन यानी अपने बारे में कुछ जानकारियाँ साझा करें और उसके बारे में फिर हम लोग कुछ वार्तालाप करेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं बिहार गवर्नमेंट के राजस्व कर्मचारी के पद पर आसीन हूँ और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट अररिया है जी। तो ये मनोज जी हैं और अररिया के रहने वाले हैं और इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है, कहाँ? मोतिहारी ढाका अंचल में। ठीक है, मैं मनोज जी से चाहूँगा कि पूछना चाहूँगा कि जैसे फर्स्ट टाइम ये आपका पहली ज्वाइनिंग है कि इसके पहले भी किसी पद को आपने ज्वाइन करके फिर रिजेक्ट करके फिर यहाँ आए हैं? नहीं, ये मेरा पहला ज्वाइनिंग है इस डिपार्टमेंट में और पहला ही मतलब जॉब है, इससे पहले मैं किसी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं करता था। अच्छा, ठीक है। तो मनोज जी मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो है ये फैमिली बैकग्राउंड, मैंने किस प्रकार की आपकी तैयारी के दौरान आर्थिक स्थितियाँ रहती थी, किस तरह के उतार चढ़ाव के सामना करना पड़ा, थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को कुछ बताएं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो ठीक ही है, मिडिल क्लास से हम लोग आते हैं जी। तो मेरे पापा टीचर हैं सर, तो सब ठीक ही रहा, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ उतना, लगभग सारा ठीक ही था। अच्छा, बीच बीच में कुछ ऐसी परेशानियाँ आती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बीच बीच में कुछ इनके साथ ऐसा मोमेंट आ जाता है कि वो लोग क्या करते हैं, बीच में तैयारी को ड्रॉप कर देते हैं, अंत तक स्थिति आते आते, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अंत में तैयारी उनको क्या छोड़ देनी चाहिए या लगे रहना चाहिए? देखिए, तैयारी करते समय तो सबको दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती है, उन सबको झेलना होता है, हम लोगों को सबको हैंडल करना होता है। परेशानी को कैसे हैंडल करना है, पेशेंस रखना है, टाइम तो लगता ही है गवर्नमेंट जॉब में, पेशेंस के साथ कंटिन्यू एकदम लगे रहना है, इससे जरूर रिजल्ट होगी हम लोग। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना मनोज जी को कि मनोज जी बताएं कि तैयारी जब कर रहे हैं तो आपको आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और समय लगता है तो निरंतर मैंने कंटिन्यूसली तैयारी में लगे रहें, कंटिन्यूस रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मनोज जी जो है रिवेन्यू डिपार्टमेंट, क्या रिवेन्यू डिपार्टमेंट को ज्वाइन किए हैं बिहार एससी में? बिहार एससी में बहुत सारे पद थे, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि आप अपने सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे, सफल हुए हैं ये श्रेय किनको देना चाहते हैं? मेरे सफलता का श्रेय तो सभी को दिया जाएगा, स्पेशली मम्मी पापा तो हैं ही, गुरुजन भी हैं, अपने टीचर्स, सबसे बड़ी सफलता का राज तो मित्र से भी मिलते हैं, उन लोगों का सहयोग भी बहुत मिलता है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है मित्र से मिल करके सब लोग तैयारी किए हैं, ग्रुप में पढ़े हैं और घर से भी हमेशा हम लोगों को सपोर्ट मिला है जी। तो जैसा कि मनोज जी बताएं कि अपने सफलता का स्रोत गुरुजन, मित्र और ग्रुप डिस्कशन भी इनके लिए जो है इनकी तैयारी में काफ़ी ही लाभप्रद हुआ, ठीक है। और जो है मनोज जी बताएंगे कि बिहार एसएससी में बहुत सारे पदे थी, जैसे मैं आप रेवेन्यू को ज्वाइन किए हैं, क्या आपका ये फर्स्ट प्रेफरेंस था या अन्य कोई आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था? नहीं, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो राजस्व कर्मचारी ही था, मेरा नंबर अच्छे थे और रैंक भी अच्छे थे तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया। वैसे सेकेंड प्रेफरेंस मेरा पंचायत सचिव ही था जी, तो नंबर अच्छा रहने के कारण राजस्व कर्मचारी ही। अच्छा, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस आपका रेवेन्यू था और रैंक अच्छा होने के कारण इनको राजस्व कर्मचारी इनको मिला है, ठीक है। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि जो है ये लगभग वैकेंसी 2014 की है, 14 से लेकर के 2022 यानी 8 सालों के बाद आपको सफलता मिली है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि मैंने 8 साल तक इसी वैकेंसी का आप निरंतर इंतज़ार करते कब तक फाइनल होगी, या अन्य किसी जो फॉर्म को अप्लाई किया, अन्य किसी जो है विभाग को भी ज्वाइन करना चाहते थे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, 8 साल तक तो कोई एक वैकेंसी के लिए नहीं रुक सकता है, बीच में जितने भी एग्ज़ाम थे, मैं तो स्पेशली SSC CGL का ही तैयारी करता था, लेकिन रेलवे SSC और ये
सारा ये सब एग्ज़ाम देता था, दरोगा आता था उसका भी देता था और BPSC भी देता था, लेकिन और सब एग्ज़ाम में CGL सब में भी मेरा मेरिट नहीं बना, लेकिन फाइनल में पहुँचे थे, मेरिट सिर्फ नहीं बना था दो बार, और LDC में भी ऐसा हुआ था, दरोगा सब में भी मेंस निकलता था लेकिन फाइनल नहीं हो पाता था। अच्छा, जैसा कि मित्रों मनोज जी ने आपको बताया कि ये मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 8 साल के दौर में बीच में भी अपना ये तैयारी को जारी रखे और SSC CGL और बिहार दरोगा इन सभी पेपरों को क्रैक किया, हालांकि फाइनली सफलता नहीं मिली, हार कर जो है अंत तक 2022 में इनको बिहार SSC में सफलता मिली और इनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिला है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या इनकी जो है इनका लक्ष्य जो है और आगे या यहीं पर समाप्त हो जाएगा कि और आगे बढ़ेंगे? आगे की तैयारी तो करनी है, अभी तो ज्वाइन किया है, थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर अच्छे से PCS की तैयारी करने का सोच रहे हैं। अच्छा। और करेंगे भी, थोड़ा टाइम मैनेज करना होगा, अब जॉब के साथ करना है तैयारी तो। अच्छा मनोज जी, बताइएगा कि जब फर्स्ट टाइम आप इसके पहले किसी अन्य जॉब में नहीं थे लेकिन इस बार आए हैं, तो फर्स्ट टाइम जो है आपका मेरिट लिस्ट में रोल नंबर या आपका नाम दिखा होगा तो आपको कैसा लगा, आपके परिजन फैमिली मेंबर को कैसा लगा था? बहुत खुशी मिली थी, ये तो सबको मिलती है, मुझे तो फील हुई है। आप लोग रात को तो नींद नहीं आई थी, रात को ही रिजल्ट आई थी। अच्छा तो रात को नींद के आएगी, फिर सारे दोस्त को कॉल करते करते 3-4 बज गए थे, 12 बजे लगभग रिजल्ट ही आई थी। अच्छा, तो उस दिन जो है मनोज जी के घर में या अन्य जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी लोगों के घर में बहुत ही खुशी का माहौल था, मनोज जी भी बहुत खुश थे, और अभी अभी डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हैं, थोड़ा स्टेबल होने में इनको समय लगेगा और आगे की भी तैयारी जारी रखेंगे, यानी PCS अधिकारी बनना चाहते हैं, उनका यानी सपना अधिकारी बनना है। और अच्छा मनोज, जिससे हम कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे कि बहुत सारे हमारे नए मित्र जो हैं अभी तैयारी की शुरुआत किए हैं, हो सकता है 1-2 साल से कर रहे हों और उनका किसी भी पेपर में रिजल्ट नहीं हो रहा हो, तो बहुत सारे मित्र हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि नहीं हो पाएगी, चाहे कुछ लोगों का समय लग गया हो, 2-4 साल समय भी गवा दिए हैं, उनके बाद भी नहीं हुआ है, तो उसके बारे में मनोज जी बताएंगे कि उनको अब क्या करना चाहिए। जैसे मनोज जी लगातार 8 साल से धैर्य बनाए रखे, आखिर निरंतर इनको मतलब लगातार लगे रहे तो इनको सफलता मिली, तो उन सभी छात्र जो निराश हो जाते हैं उनको ये क्या कहना चाहते हैं? किसी को निराश नहीं होना है, सब जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए फोकस तैयारी करिए और अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर तैयारी किया जाए ठीक से, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, टाइम सबको लगता है, हम लोगों को भी लगभग 8 साल लगे, 10 साल लगे, तो इसीलिए फोकस तैयारी करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, और परीक्षा का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो देखना है, क्वेश्चन बैंक देखिए, करेंट अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, करेंट पे ध्यान देंगे, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन पहले उसको क्वेश्चन बैंक को देख लेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस तैयारी से करें, उस तरीके से करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, और पेशेंस रखें, सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस रखना होता है और कंटिन्यूटी बना के रखें, कभी कभी बीच में होता है ना कि मतलब पढ़ने का मन नहीं करता है, तो ये सबके साथ होता है, इसे घबराना नहीं है, और आप लोग तैयारी कीजिए, पेशेंस, 1-2 दिन जब मन नहीं करे तो फ्रेश हो जाइए, मूवी वगैरह देख लीजिए, घूम फिर लीजिए, फ्रेश हो जाएगा उससे, उसके बाद फिर से तैयारी में लग जाइए जो सोच के साथ। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मनोज जी बताए कि जितने भी नए मित्र हैं तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है या 1-2 अंक से छूट जा रहा है, तो आप कंटिन्यूसली तैयारी में लगे रहें, रेगुलर रहें, और इनका ऐसा मानना है कि क्वेश्चन बैंक्स मैंने क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको अभ्यास होगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, खास करके आजकल जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की संख्या जो है ज़्यादा ही रह रही है, तो आप लोग करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करें, क्वेश्चन बैंक्स को बनाएं, रेगुलरिटी बना के रखें, और जितने भी मित्र अभी तैयारी कर रहे हैं रेगुलर आप लोग रहें, और डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, उससे होता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आपके ग्रुप के लोग ही कुछ ना कुछ बता देंगे, उससे मतलब उस टॉपिक का मतलब क्लियरेंस आ जाता है, और साथ में टेस्ट भी दीजिए, उससे कंपटीशन जैसा लगता है कि कुछ हो रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है नहीं आ रहा है। जी, तो ग्रुप डिस्कशन आपके तैयारी में काफ़ी लाभप्रद होगा, और प्लस में टेस्ट सीरीज जरूर बनाएं, टेस्ट सीरीज बनाएंगे तो आपको पता चल पाएगा कि किस पार्ट में कमजोरी रह गई है या कौन से टॉपिक को हमको अच्छा से पढ़ना है और किस टॉपिक पे हमारी पकड़ है। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, और जितने भी हमारे नए मित्र हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक जरूर करेंगे।